हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया में। दोस्तों, आपने बहुत से कोर्सों के बारे में सुना होगा, जैसे आईटीआई, बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए। आज आप दोस्तों को बता देता हूँ एएनएम, जीएनएम और एमपीएसडब्ल्यू। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ नर्सिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एएनएम का फॉर्म है, वो आप भर सकते हैं, ये लड़कियों के लिए है। उसके बाद में दोस्तों जीएनएम का कोर्स है, ये भी लड़कियों के लिए है और जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाए हैं, इसके अंदर भी करियर की बहुत अच्छी आप शुरुआत कर सकते हैं। लड़कों के लिए दोस्तों इसके अंदर है एमपीएसडब्ल्यू का, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की पोस्ट के लिए आप जो आवेदन कर सकते हैं, एडमिशन दोनों का निकला हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप एएनएम, जीएनएम या एमपीएसडब्ल्यू का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, इसमें से कोई भी डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो इनके लिए जो आवेदन है ऑनलाइन फॉर्म एडमिशन के लिए वो खुल चुके हैं। ये भी एक दोस्तों बहुत अच्छी लाइन है, जिसके अंदर क्या है कि एएनएम, जीएनएम और एमपीएसडब्ल्यू के कोर्स करवाए जाते हैं, इसके अंदर नौकरी मिलने के ज़्यादातर चांस बने रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में या फिर जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, उनके अंदर जो है एएनएम, जीएनएम और एमपीएसडब्ल्यू की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। इसके अंदर आप 20-30 हज़ार रुपये की नौकरी प्राइवेट जगह पर भी आसानी से पा सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें आप दाखिला लेना चाहते हैं तो इनके फार्म है ऑनलाइन, वो शुरू हो चुके हैं। कैसे आप फार्म भर सकते हैं वो मैं आपको सारा इसके बारे में समझाऊँगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट तारीख रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप नर्सिंग लाइन चुनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आज ही आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए और अपना एडमिशन है वो करवा सकते हैं। अभी बात करते हैं इनके बारे में, उससे पहले बता देता हूँ, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट dakenindia.com के नाम से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों प्रकार से जानकारी दी जाएगी इसके बारे में। जैसे ही दोस्तों आप इस पर विजिट करेंगे, आपके सामने जो पहली पोस्ट होगी वही यही है कि हरियाणा एडमिशन ओपन, एडमिशन फॉर एएनएम फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है, एएनएम और जीएनएम। ये दोस्तों एएनएम और जीएनएम का कोर्स होता है, ये होता है सिर्फ लड़कियों के लिए, और जो एमपीएसडब्ल्यू होता है ये होता है सिर्फ लड़कों के लिए। इसमें मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर बोलते हैं एमपीएसडब्ल्यू को। तो इस कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फार्म वो स्टार्ट हो चुके हैं। हरियाणा के अंदर जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेज है, ये गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज है, उनके अंदर आप जो है दाखिला ले सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आप एएनएम, जीएनएम और एमपीएसडब्ल्यू तीनों कोर्स है, इस पर यहाँ पे पूरी जानकारी इसकी दी गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी आपको बताऊँगा। तो ये जो एडमिशन है ये सत्र जो हमारा है सेशन 2021-22 के लिए है। इसके अंदर फीमेल कैंडिडेट एएनएम के लिए अप्लाई करेगा और जीएनएम के लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेगा, और जो लड़के फार्म भरना चाहते हैं वो एमपीएसडब्ल्यू में फार्म भरेंगे। यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, जिस पर हम विजिट करेंगे और इसका जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, वो भी आपके सामने शेयर करूँगा। इस वेबसाइट के द्वारा जो आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों 10/9/2020। इम्पोर्टेंट डेट सारी की सारी यहाँ पर दी गई है, इसका शेड्यूल भी दिया गया है कि कब आपकी काउंसलिंग होगी, कब आप जो है इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। पहले मैं इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की फर्स्ट राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है रजिस्ट्रेशन का, वो 12/10/2020 को ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप डिसाइड कर सकते हैं, आपके पास समय पड़ा हुआ है कि आपको जो है इसके अंदर कोर्स करना है या नहीं करना, एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। इसके अंदर दोस्तों जितनी भी स्टाफ नर्स की भर्ती होती है, सभी भर्तियों के अंदर इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए एएनएम, जीएनएम का जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा इसके अंदर आपके कैरियर का। इसके अंदर आप जो है लड़के हैं तो एमपीएसडब्ल्यू भी कर सकते हैं। 12/10 से लेकर के फार्म स्टार्ट हो जाएंगे और 19/10 तक, यानी 9 दिनों तक ही ऑनलाइन फार्म है वो भरे जाएंगे। इसके बाद में इसकी जो कॉलेज की चॉइस है, उसकी जो काउंसलिंग होगी फर्स्ट राउंड की, वो 23/10/2020 को और 26/10/2020 तक चलेगी। इसके बाद में जो आपके कॉलेज अलॉट होंगे वो 29/10/2020 को हो जाएंगे। अगले महीने का ये प्रोसेस है। इसके बाद में सेकंड राउंड होगा इसका, वो 3/11/2020 को जो है उसके लिए आप कॉलेज को दोबारा इंस्टीट्यूट को भर सकते हैं। 5/11 तक सीट अलोशन है, वो 6/11/2020 को सीट अलॉट की जाएगी। तो ये तो था दोस्तों, इनके तीन राउंड होंगे एडमिशन के, जिसके लिए आप जो है स्टाफ नर्स, एमपीएसडब्ल्यू या एएनएम का कोई भी इसमें कोर्स कर सकते हैं। वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, एडमिशन ओपन, एएनएम, जीएनएम, एमपीएसडब्ल्यू कोर्स इन गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग इंस्टीट्यूट स्टेट हरियाणा। इस प्रकार से बहुत से दोस्त हैं जो पंजाब से भी करते हैं, राजस्थान से भी करते हैं, लेकिन अभी जो ऑनलाइन एडमिशन फार्म की जो मैं जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये दोस्तों हरियाणा के लिए है कि जो कैंडिडेट हरियाणा से है या जो हरियाणा से कोर्स करना चाहते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोई भी आपके नज़दीक नियर बाई है,
वहाँ पर आप जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं। एडमिशन फॉर्म भरने का प्रोसेस भी मैं वहाँ पर आपको बता सकता हूँ। अभी तक जो है इनका ऑनलाइन एडमिशन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही दोस्तों आपकी इनको जो ऑफिशियल वेबसाइट है चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हरियाणा की, इस पर विजिट करेंगे तो आपको यह देखो डिटेल ऑफ एडमिशन डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया गया है। इसमें यहाँ पे दे रखा है एडमिशन ओपन ऑफ ANM GNM MPHW। इसका F का मतलब है फीमेल के लिए, M का मतलब है मेल के लिए। कोर्स इन गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो स्टेट हरियाणा के, उनके जो एडमिशन है 2020-21 सेशन के, उनके जो फार्म है वो भरे जाने स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो दोस्त फार्म भरना चाहते हैं वो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। फार्म भरते वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। ये आप इनका शेड्यूल है जो देख सकते हैं कि एडमिशन कब होगा कैसे होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है दोस्तों मिल जाएगा। हमारी दोस्त जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा हमारी वीडियो को, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि कोई भी लड़का या लड़की जो भी फार्म भरना चाहते हैं वो इस प्रकार से वंचित न रहें, बाद में लेट फीस में इनको जो है आगे जाना पड़ता है। तो दोस्तों आज ही ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही स्टार्ट होते हैं फॉर्म भरने का प्रोसेस भी आपको बताऊंगा। ऑनलाइन स्टार्ट होने के बाद में हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, तो और भी इसी प्रकार की और जानकारी आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। काउंसलिंग के बारे में भी आपको बताया जाएगा।